तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के उपरांत योग अभ्यास के लिए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस की समस्या है वे बैठे बैठे ही सूक्ष्म व्यायाम करते हुए एक एक अंग प्रत्यंग को एक एक जॉइंट को हिलाते हुए और योगाभ्यास में पूरी तरह से सम्मिलित रहेंगे। लंबे लंबे सांस लेंगे सभी योगिक जोगिंग के कम से कम दो अभ्यास सभी कर ले। वैसे तो 12 अभ्यास हम कराते हैं। लंबे लंबे श्वास जैसे धीरे धीरे कर ले। जिनके घुटनों में अधिक दर्द है हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है कमजोरी है तो ऐसे धीरे धीरे कर लें। जो जवान है ऐसे 2-3 मिनट लंबे लंबे सांस ऐसे लें। लंबे लंबे सांस लें पूरी एकाग्रता से प्रसन्नता से आनंद से उत्साह से लगन से श्रद्धा से समर्पण से एक निष्ठ होकर के गुरुनिष्ठ होकर के ब्रह्मनिष्ठ होकर के योग में गुरु में भगवान में सत्य में हमारी अखंड श्रद्धा रहनी चाहिए जो कभी ना टूटे ऐसी श्रद्धा। ये 2-3 मिनट कर लेना ये 100 बार कर लेना। श्रद्धा बहुत बड़ा तत्व है। इसको निष्ठा भी कहते हैं इसको भरोसा भी कहते हैं इसको विश्वास कहते हैं इसको ट्रस्ट कहते हैं इसको फेथ कहते हैं इसको इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं इसको अनकंडीशनल सरेंडर भी कहते हैं। लंबे लंबे श्वास। गुरु के बिना कौन राह दिखाता है वही तो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं जीवन का बोध कराते हैं कर्तव्य अकर्तव्य बताते हैं सब व्याधियों से बचाते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार करना। गुरु हमारे जीवन में जो भी दुख दरिद्रता दीनता हीनता भ्रम भ्रांतियां हमको मिटाते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे तुम तो रुक गए बीच में। कितनी बार करना ऐसे 100 बार कर लेना। 100 बार से कम तो कोई कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए। फिर अभी देखो योगा अभ्यास के इस आसन बोलो व्यायाम बोलो
यह स्थूल क्रिया बोलो, इसको तीन भागों में हमने विभक्त किया है। चलो मोटापा के लिए यद्यपि हम 12 अभ्यास बताते हैं, उसमें से 5 को कम से कम हम कहते हैं आप 100-100 बार करके 2 राउंड कर लो, 3 राउंड कर लो, 500 बार, 1000 बार, 1500 बार अभ्यास हो जाएंगे और उससे पूरा रूपांतर एक लगन के साथ सब उठ करके करना है। और मैंने कहा गुरु निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के ये अभ्यास करना, 12 अभ्यास करवा रहे। चल कर। मुश्किल आसान तेरे हर मुश्किल आसान, जब मिले गुरु का ज्ञान तेरे हर मुश्किल आसान, जब मिले गुरु का ज्ञान तेरे भीतर ही भगवान, तेरे भीतर ही भगवान तू धर ले गुरु का ज्ञान, तेरे हर मुश्किल आसान मिले गुरु का ज्ञान। फैला हुआ है इस धरती पर चारों ओर अंधेरा, फैला हुआ है इस धरती पर चारों ओर अंधेरा, मोह माया में डूब रहा है करके मेरा करके मेरा मेरा तेरे चारों ओर तूफान, तेरे चारों ओर तूफान तू कर ले प्रभु का ध्यान, तेरी हर मुश्किल आसान जब मिले गुरु का ज्ञान। ये दुनिया कांटों का बगीचा, ये दुनिया कांटों का बगीचा, तू
है जिसका माली, तेरे बाद कोई और आएगा, तेरे बाद कोई और आएगा करने को रखवाली, करने को रखवाली तुम दो दिन का मेहमान, तू दो दिन का मेहमान, तू कर ले प्रभु का ध्यान, तेरी हर मुश्किल आसान जब मिले गुरु का जान। देखो एक एक अभ्यास कोशिश करो, तुम सौ सौ बार कर सकते, बारह अभ्यासों में पांच से सात अभ्यास ही सौ सौ बार कर। स्वधर्म की साधना, आत्मधर्म की साधना, अध्यात्म धर्म की, योग धर्म की साधना, लंबे लंबे सामान्य मध्यम प्रगति से लंबे लंबे स्वास्थ्य एक अनुष्ठान की तरह घर घर प्रहोत गुरु बिन जान न उपजे, गुरु बिन जान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भे, गुरु बिन संशय न मिटे, जे 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 गुरुदेव। भोजन तो ईश्वर देता है, भूखा नहीं सुलाता, भोजन तो ईश्वर देता है, भूखा नहीं सुलाता, जीवन को कैसे जीना है गुरु ही राह दिखाता, जीवन को कैसे जीना है गुरु ही राह दिखाता, गुरु ही राह बताता, तू खुद को अब पहचान, तू खुद को अब पहचान, तू कर ले गुरु का ध्यान, हर मुश्किल आसान तेरी, हर मुश्किल आसान जब मिले गुरु का ध्यान, तेरे भीतर है भगवान, तेरे भीतर ही भगवान, तुम कर ले प्रभु का ध्यान, तेरे हर मुश्किल आसान तुम मिले गुरु का ज्ञान, तेरी हर मुश्किल आसान जब मिले गुरु का ज्ञान, तुम कर ले प्रभु का ज्ञान जब मिले गुरु का ज्ञान। लंबे श्वासों के साथ कर रहे हो ना, अभी मैंने आपको देखा नहीं था, किया ना सबने, तुम सोचो तो मुझे वेट नहीं घटाना, फिर भी तुम्हारा साथ दे रहा हूं मैं। चलो अगला अभ्यास। बोले जी आप बाबा जी, आपको घटाना नहीं बढ़ाना नहीं, फिर क्यों कर रहे हो, करना इसलिए कर रहा हूं,
कभी किसी ने सूरज को पूछा तुम रोज क्यों उगते हो? तुम तो खुद प्रकाश स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप हो। जैसे सूरज और चांद जगका अंधियारा हटाने के लिए उगते ही रहते हैं, ऐसे संत परम हित कारी सबका हित करने के लिए, क्योंकि वो सबको अपने ही स्वरूप में देखते हैं, आत्म स्वरूप में ही देखते हैं, ब्रह्म स्वरूप में ही देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। ऐसे पूरा गोल गोल घुमाओ, ऐसे आगे पीछे जितना बन पाए। खुद योगी बनना, औरों को योगी बनाना, क्योंकि रोगी होकर के बहुत दुख होता है जी। मैं किसी को रोगी नहीं देखना चाहता, मैं किसी को दुखी दरिद्र नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने पूरी दुनिया को योगी और निरोगी बनाने की ठानी। आगे पीछे पूरा जाना, और जितना मुझसे बन पाया है, मैंने करोड़ों लोगों को निरोगी बनाया, योगी बनाया, उपयोगी बनाया, उनके दुख दर्दों को, उनकी गरीबी को, उनके भूख को, अभाव को, बेरोजगारी को, जो संसार में समस्याएं बोली जाती है, उनको हटाया है। लंबे लंबे श्वास भरो, जिनसे ये नहीं हो पा रहे वो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो, चुपचाप किसी को नहीं बैठ रहा। मैं हमेशा बोलता हूं ना, एक क्षण भी विराम करो सा, ऐसे आधा बंद चलो, कौन सी लंबे लंबे श्वास, वस्त्रिका प्राणायाम पूरा हो जाएगा। अब आगे आपको वस्त्रिका अतिरिक्त नहीं करना है। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिनके पेट पीठ बहुत बड़े हुए, कमजोर रहते हैं, ये बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी भी से बढ़ते हैं, चक्की आसन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। मिनिमम 10 मिनट्स साइंटिफिक फिजिकल एक्सरसाइज सबके लिए रिक्वायर्ड है, चाहे मोटे हैं या पतले हैं, कोई भी रोग। ये तो मिनिमम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कितनी है, 100-100 बार नहीं, मैक्सिमम है 5000 बार से लेके 50,000, तो अभी नहीं बोलूंगा। प्रभुपद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी, प्रभुपद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी, परम कृपालु
सकल जीवन पर परम कृपालु, सकल जीवन पर हर सम सब दुख हारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। बार करना, सौ सौ बार करना है, ऐसा अभ्यास बना लो। चलो अब उल्टे लेट जाओ, आदत बनाओ ऐसी कि सौ सौ बार करना ही है। आराम आराम से, जिनकी कमर में दर्द है उष्ट्रासन 5 मिनट, भुजंगासन 5 मिनट, सलभासन 5 मिनट, मरकटासन 5 मिनट, सेतुबंधासन 5 मिनट, एक आसन का समय 5 मिनट, संख्या समय की दृष्टि से, टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट्स, और संख्या की दृष्टि से सौ सौ बार। जिनको कमर में दर्द हो उनको ऐसे थोड़ा होल्ड करना, जिनको ऑबेसिटी है सौ सौ बार। चलो मैं 100 बार कर रहा हूं आपके साथ साथ, आपसे 50 बार तो हो जाएगा तब ऐसे। लंबे लंबे श्वास, गुरु की महिमा है अगम, गुरु की महिमा है अगम, का कर तरता शिष्य, गुरु कल का अनुमान कर गढ़ता आज भविष्य, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत रत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद कहे संत की सोम, ब्रह्मानंद कहे संत की सोमत, मिलत है प्रकट मोरारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। श्वास भरे तो ऊपर, श्वास बाहर छोड़े तो आगे, आ जाओ। पूरी तरह से मजबूत है वे, मध्यम गति से या तीव्र गति से है।
करो बोले स्वामी जी आप थकते नहीं हो? ये जो डांस करते हैं कोई भी, भरतनाट्यम से लेकर के और आजकल के फूहड़ डांस तक, वो आधा आधा घंटा पूरा पसीना बहाते है। करो जो जैसा करता है। ये मजदूर बेचारे आठ आठ घंटे मेहनत करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, सड़कें बनाते हैं, भवन बनाते हैं, लगातार दो घंटे के बाद भी यदि बेचारा कोई थोड़ा सा बैठ जाए, ए तनख्वाह दे रखी है, नौकरी दे रखी है, चल खड़ा हो, हम उसका सुपरवाइजर लगा के रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक और बॉस होता है, फिर बॉस के ऊपर और कोई बॉस होता है, और कोसते रहते हैं कर कर। अरे वो तो मेहनत मजदूरी का, हाँ, रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है, तुम्हारे सामने तो जिंदगी का सवाल है, नहीं करोगे तो बेहाल हो जाओगे। कर लो थोड़ा थोड़ा, करना ही है। एक नियम बना लो, कुछ बातों में सूक्ष्मताएं अलग बात है, उसको और विश्लेषण करना, लेकिन कम से कम 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करना है। दस से बीस मिनट थक जाए बीच में तो ऐसे थोड़ा विश्राम लिया, कितनी बार? 5-7 श्वास लिया गहरे ऐसे, विश्राम में भी प्राणायाम हो रहा, ध्यान हो रहा, और जो नहीं थके हैं वे एक राउंड 25 का देखो ऐसे करो, मेरे साथ साथ करो। एक आवृत्ति एक सेट 25 का ऐसे 100 बार करना, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ऐसे, ये भी 100 बार करना, चारों ओर मोटापे ने घेर लिया, चारों ओर से पता नहीं कहां से चुपचाप दिन में चिपकता है या रात में। चेस्ट बेस्ट भारी हो जाती है, डबल चिन तैयार हो जाती है, पता ही नहीं लगता, चुपके चुपके चोरी चोरी हाथ में मोटे मोटे, रे मेरे राम राम, और पैर तो ऐसे हाथी पांव जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथों में पैरों में पेट में पीठ में कमर में अलग अलग जगह फैट बढ़ता है, उसी को डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज देके डाइल्यूट करते हैं। फैट जब ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस, क्या बोलते हैं बोलो? और जो अंडरवेट करेंगे इस अभ्यास तो उसका होगा, करते रहो, उसको फैट अंदर जमा होगा, लाइपोजेनेसिस होगा, क्या होगा उसको? लाइपोजेनेसिस, ये अपने आप होता है, तुम्हारे चाहने से नहीं होता, ये सब एक स्वतंत्र और बहुत व्यवस्थित बहुत वैज्ञानिक एक व्यवस्था बनाई हुई है प्रकृति ने, परमेश्वर ने, एक एक पैर को पूरा उठाना ऐसे आराम आराम से, लाइपोजेनेसिस लाइपोलाइसिस अपने आप होता रहेगा, और इतना ही नहीं इससे पूरे शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश
अपने इस पूरी विजिबल और जो इनविजिबल एग्जिस्टेंस है, अपना एक दृष्ट शरीर, एक अदृश्य अदृश्य अदृष्ट अमूर्त सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब पर एक साथ योग से काम होता है। एक ही पर यह दोनों पैरों को करना है। चलो ये 100 बार ना हो तो 25 बार ही कर लेना, सीधे लेट जाओ। अब ये तो 100-100 बार सबको करना है, कसम खा के। किसकी कसम? खुद की कसम। कसम भी माँ बाप की खाएंगे, भगवान की कसम मेरे लोगों के मुख से सुना है। माँ बाप की सौगंध, भगवान की सौगंध, भगवान के ज्ञान की, वेद की, गीता की, कुरान की, सबकी सौगंध खाते हैं। तो मैं तुम्हारी सौगंध है, और कोई दूसरा सामने बैठा हो तो बोले तेरी सौगंध। सुनो, तुम्हारी सौगंध मैंने ऐसा नहीं किया है। अब तुमको मैं कह रहा हूं, तुम्हारी सौगंध मैंने अपनी सौगंध खाना है, ये व्रत लेना है, एक एक पैर या दोनों पैरों को 100-100 बार उठाना है। व्रती न दीक्षा आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्यमेव जयति। सत्य का आधार क्या है? सत्य का आधार है सत्यव्रत। किसी किसी का तो नाम ही होता है सत्यव्रत। सत्यव्रत लो, योग का व्रत लो। मैं योग का व्रत लेता हूँ, मैं आयुर्वेद का व्रत लेता हूँ, मैं स्वदेशी का व्रत लेता हूँ, मैं प्राकृतिक चिकित्सा का, प्राकृतिक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति का व्रत लेता हूँ। ऐसे ही मुझे जीना है, यही जीने का ढंग है। बेढंगे तरीके से अल्हड़पने में, बेहोशी में जीवन को नहीं जीना, होशपूर्ण जीवन जीना है। सोसोवा लंबे लंबे श्वास, बीच में एक क्षण भी विश्राम नहीं, मैंने गैप नहीं लिया है, रेस्ट नहीं किया है। मैं बोलता हूँ आराम, आराम है, बोलो आराम। कार्यांतर ही विश्राम है। एक योगाभ्यास करते थक गए तो दूसरे में लग गई, दूसरे में थक गई तो तीसरे में लग गई, तैयार है कार्यक्रम। काम चोर हराम खोर नहीं बनना, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। रोग और प्रमाद रूपी शत्रु चारों ओर, एनिमी चारों ओर, दुश्मन शत्रु तुम्हारी बाट जो रहे। कोरोना है, कोविड, फिर बोला भाई लंग कोविड हो गया, ये कोविड के कॉम्प्लिकेशंस आ गए, बीपी शुगर इनके कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा, ओबिसिटी, थायराइड इनके कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर इसके कॉम्प्लिकेशंस, एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज इनके कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियां और बीमारियों का पूरा एक परिवार है, हर एक बात की एक श्रृंखला है। बोले ज्यों केले के पात पात में पात, हाँ, एक केले से दूसरे केले का पत्ता निकलता है और पौधा तैयार हो जाता है। बोले ज्यों गधे की लात लात में लात, किसी को पता ना हो तो पिछुंडे में खड़ा होकर के थोड़ा छिड़ के देख लेना, पूरा प्रसाद मिलेगा। चल लंबे लंबे श्वास, ऐसी हर एक बात का विस्तार है, एक के बाद दूसरा एक क्रम चलता रहता है। अच्छे विचार के बाद दूसरा अच्छा विचार आता है, फिर तीसरा और अच्छा, फिर और अच्छा और अच्छा, विचार से दिव्य विचार, अध्यात्म विचार, आत्म विचार, भगवत विचार चलते रहते हैं। एक अच्छे विचार से दूसरे विचार की श्रृंखला तैयार हो जाती है, जैसे संतति संतान। एक एक जीव, एक दो कोरोना अंदर गए और ऐसा साइटोकाइंस का तूफान खड़ा करते हैं कि उनको बाहर से और किसी की जरूरत नहीं, भीतर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसके अंदर? जो कमजोर है उसके अंदर। माड़े आदमी को जीने नहीं देता कोरोना। अरे कोरोना की तो बात छोड़ो, ठंड भी नहीं जीने देती। सर्दी के अंदर पाड़ा और बुढ़ा बहुत जल्दी मरता है। क्यों? बोले गांव की भाषा है, बोले सर्दी लगेगी, पाड़े को भी उसमें भी बेचारे को, उसको दूध दाद पिलाते नहीं, खाना भी कम खिलाते हैं, हाँ,
और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, वो लड़ नहीं पाते ठंड से, अकड़ जाते हैं, मर जाते हैं। जो बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, वो लड़ ना सकेंगे कोरोना से, ठंड से, गर्मी से और अलग अलग बीमारियों से। एक एक पैर, दोनों पैरों को उठाते रहिए, कुछ तो बीच में ही रुक गए। इसलिए कायर नहीं बनना। कायर सके न झेल फकीरी अलबेला रो खेल, कायर नहीं बनना, कमजोर मत बनना। फकीरी अलबेला रो खेल, तुम्हें फकीरी में जीना है, घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार खूब अच्छे से चलाओ, लेकिन भीतर फकीरी का भाव रखो। ऐसे ही हमारे पूर्वज जीते थे, सौ सौ बार से पहले किसी को रुकना नहीं है। बोले बाबा जी 25-50 बार तो हो गया, अभी तो 50 बार तो बाकी है ना, एक एक पैर से दोनों से करो अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन कराएंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ तुम हर बीमारी से ही नहीं अपने भीतर के शत्रुओं से भी लड़ सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सारे जितने भी क्लेश हैं, विकार हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, अशुभ है, इससे तुम्हें बचना है, मुक्त होना, यही जीवन मुक्ति है। जो पूरी चीजों से मुक्त हो गए वो क्या है बोलो? जीवन मुक्त। क्या है बोलो? जोर से बोलो। आज तुम्हें रोगों से नहीं, मैं आज तुम्हारी मुक्ति करने के लिए आया, मेरा अवतरण हुआ इस धरा पर सारे संसार को मुक्त करने के लिए। कुछ कहता है मेरा जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना, मैं कहता हूं मैं सबको मुक्त करने के लिए आया हूं, और कहता ही नहीं हूं, वैसा करता हूं, सबको मुक्त करने के लिए आया हूं, सब बुरी चीजों से, जो भी हमें दुख देने वाली चीजें हैं, बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, दुख है, दरिद्रता है, उस सबसे मुक्त करने आया हूं। लंबे लंबे श्वास 50-50 बार हिम्मत करके दोनों से करना, मैं तो दोनों से कर रहा हूं, और जब तुम्हारा गुरु दोनों से कर रहा है तो चलो जरा तुम भी अच्छे से जीवन का खेल खेलो, एक एक से ही कर लो, टांगे हिला लो। निर्गुण वाणी अटपटी और झटपट लगी न जा, अरे जो इसने झटपट लखी वो सारी खटपट ही मिट जा। कायर सकना झेल फकीरी, ओ कायर सकना झेल फकीरी अलबेलारो झेल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल। ओ कायर सकना झेल फकीरी, कायर सकना झेल फकीरी अलबेलारो झेल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल। अब एक एक पैर से पादवृत्तासन 25-25 बार ऐसे घुमाना, धीरे धीरे कर लेना, तेजी से कर लेना, नीचे ऊपर पूरा, लंबे लंबे श्वास, घबराना नहीं, कितने ही बड़ी मुश्किल राह मंजिल मिलेगी, चरैवेति विराम नहीं विश्राम नहीं, बढ़ते चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटा। लंबे लंबे श्वास, जोरण माए लड़े नरसोरा आनिया झुक रहा से, आनिया झुक रहा से
नाल जुजरबा चाले, भोली नाल जुजरबा चाले, सनमुख ले वे जेल फकीरे अलबेला रोके, फकीरे अलबेला रोके, ओ भोली नाल जुजरबा चाले, भोली नाल जुजरबा चाले, सनमुख ले वे जेल फकीरे अलबेला रोके, फकीरे अलबेला रोके। एक एक से दोनों पैरों से आपने घुमाया ना पूरा, लंबे लंबे श्वास, मस्ती से, आनंद से। अपने पिया के गे, अपने पिया के गे। एक करते करते थक जाए तो दूसरे लगते हैं। अर्धलासन पाद वृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ अथवा एक एक पैर से। ओ सती पति संग नी शरीरे, अपने पिया के गे, अपने पिया के गे। सूरत लगी अपने साहिब से, सूरत लगी, ओ सूरत लगी अपने साहिब से, काया अगिन बिच मेल फकीरे अलबेला रोके, फकीरे अलबेला रोके, ओ सूरत लगी अपने साहिब से, काया अगिन मेल फकीरे अलबेला रोके, फकीरे अलबेला रोके। एक एक से दोनों पैरों से, फिर दोबारा पहले से ही अर्धलासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की, सभी महापुरुषों की, सद्गुरु देव भगवान की, मात पिता भगवान की, धरती माता की जय। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों से, जिससे जैसा बन पाए करना, लेकिन रुकना नहीं। पलल पंछी जो उल्टा चाले, बांस भरत नट के, बांस भरत नट के, ओ वलल पंछी जो उल्टा चाले, बांस भरत नट के, बांस भरत नट के, मेरू इक्कीस छेद गढ़ बंका, मेरू इक्कीस छेद गढ़ बंका, चढ़ दिया गम के महल फकीरे अलबेला रोके, फकीरे अलबेला रोके, ओ मेरू इक्कीस छेद गढ़ बंका, मेरू इक्कीस छेद गढ़ बंका, चढ़ दिया गम के महल फकीरे अलबेला रोके। दूसरा राउंड अर्धलासन का, पाद वृत्तासन का, और फिर द्विचक्रिकासन।
जिससे जो बन पाए एक एक से कर लो या दोनों से कर लो, करना है बस। और करते 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 पूरा तप जाएगा, तन की तपस्या मन की तपस्या योग के तप में सारा तप हो जाता है। ओ दो और एक रवे न दो जा, एक रवे न दो जा, आपे आप को खे, आपे आप को खे, दो और एक रवे न दो जा, आपे आप को खे, आपे आप को खे। कहे सामर्थ कोई असल पहचाने, कहे सामर्थ समर्थ कोई असल पहचाने, लेवे गरीबी जेल फकीर, अलगे नारो जेल फकीर, अलगे नारो के। ओ कहे समर्थ कोई असल पहचाने, लेवे गरीबी जेल फकीरी, अलगे नारो जेल फकीरी, अलगे नारो खेल फकीरी, लारो खेल फकीरी, अलवे लारो फकीरी, अलवे लारो खेल फकीरी, अलवे लारो। ए योग का खेल तुमने ठीक से खेला कैसे? मैं तो पूरा लगा हुआ था, तुमने भी किया ना? चलो बैठो बैठो बैठो, ये तो 12 अभ्यास हुए तुम्हारे एंड बैंड शरीर को सूत में लाने के लिए। पूरा तपस्या हो गई, चलो तो अगली शुरू करते हैं, रुकना कहाँ है। कमर के लिए कम से कम 5 आसन करना है ना, फिर डायबिटीज के लिए करवाएंगे। कमर वाले एक एक अभ्यास को ऐसे आराम से ऐसे करके ऐसे आ जाओ, या यहाँ से ऐसे उठ जाओ ऐसे। लंबे लंबे श्वास लो, आराम से आ जाना, ये आराम वाला तरीका है। ऐसे आराम से पैर खोल के तो बैलेंस बन जाता है, धीरे धीरे पैर पास में आएंगे, फिर पंजे भी सीधे हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सिर भी पीछे और लगता जाएगा। ऐसे छोटे बच्चे थे तो हम भी सिर यहाँ एड़ियों पर टिका देते थे, अब भी हम भी थोड़े बड़े हो गए। चलो उल्टे लेट जा, ऐसे तो मैं सैकड़ों काम करता हूं, हजारों तरह के काम करता हूं, जो भी मानवता के लिए सुख देने वाले काम। एक मेरा सपना है, सब सुखी हो, सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से, विचार से, भाव से, आहार से, वाणी से, व्यवहार से, संस्कार से। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, मैंने सब तरह की बातों पर बहुत विचार किया। मैं बचपन से ही हर बात में प्रश्न प्रश्न बहुत करता था, तो मैं सोचता था ये सब लोग ये सब काम क्यों करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, बीमार हो जाते थे क्यों दवाई करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते थे क्यों कमाई करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। देखा था तो सुनो, तो लंबे लंबे श्वास भरो, तो सबका एक ही तत्व है,
और मैं हर बात को बहुत तरह से देखता हूँ। हमेशा मैं वैयक्तिक बात भी करता हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बात करता हूँ, मैं पारिवारिक रूप से भी बात करता हूँ, मैं सामाजिक व्यवहारिक रूप से भी बात करता हूँ, मैं आर्थिक, मैं सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सब पहलुओं पर बात करता हूँ। बिना सारे तत्वों के बिना जिंदगी अधूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं योग भी समग्रता में कराता हूँ। इसलिए मैंने क्या नाम दिया योग को, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, समग्र योगाभ्यास। मैं खाली फूंक मारने वाला बाबा नहीं हूं, मेरे नाम लेते लोग लंबा सा सांस भरते हैं, फूंक मारते हैं, बोले फूंक मार बाबा है रामदेव, कोई मंत्र फूकने वाले तो बोले स्वामी रामदेव तो प्राण फूकने वाले है बाबा है। तो चलो जो समझे दुनिया समझने दो, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। अच्छा दुनिया को समझाने चलोगे तो तुम ही सब पगला जाओगे, इसलिए दुनिया को मत समझाना। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो हे मारी निर्भर जो मन मारवाड़ी भी आवे अने गुजराती पण हूँ बहु सारू बोलू छु, मने सात आठ भाषा आवे छे घणी बधी, पंजाबी भी आती, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जारे हूँ गुजरात में हूँ, दररोज गुजराती में पण प्रोग्राम आपू छु। जब मैं कर्नाटक जाता हूँ तो समस्त सहोदर सहोदर ये गए ना प्रीत प्रको नमस्कार करो, इतना सब बोलता हूँ तो राजी हो जाते हैं, तो बाबा जी हमारे ही है। जब महाराष्ट्र में जाता है तो सगड़ा बंधु भगने ना मजा हृदय पास खूब खूब प्रणाम आशीर्वाद, तो वो भी राजी हो जाते हैं। तो सुनो ए डॉक्टर साहब, पटेल साहब मुंदा सो घनी वार थी गई, वैसा वैसा शू करे छे, ए गुजरात ना से बनने हाँ बहु मजा किया से बनने, एक तो ए नटवर लाल भाई एनो लगन पूरु थयो कि नहीं, मारो लगन के जोई छे, मारा लगन ना सपना जोई छे, हां मारा बापू चलो लंबे लंबे श्वास, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, कमरना अभ्यास चाले से, और देखो जो बैठे हुए हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने कहा दुनिया को समझाने मत चलना, तुम अपनी दुनिया अच्छी बनाना, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चले, और किसी को चला नहीं अपने पीछे, ये सबका मूल स्वभाव है, इधर ही लौटेगी। दुनिया दाहरी ओ गणगारी जन भेद मत फकीरी दया राखी जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राखी जोए, सतरी संगत में बैठ मारी सुल्तान, सतरी संगत में बैठ मारी सुल्तान, सांची कमाई गाड़ी जाने के मत दीजो रे तेली मारी निर्भय। दूसरा अभ्यास ओ हिण काया में अष्ट कमल है प्यारी निगाह कर लीजो, इसी शरीर में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम को रहे, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, मक्का मदीना है, सारे धाम है, सारे तीर्थ है, सब गुरु है, सब ओ हिण काया में अष्ट कमल है चोरी निगाह कर लीजो, जान धरो के बैठ मारी सुल्तान, जान धरो के बैठ मारी सुल्तान, झाल दीजो रे हेली मारी निर्भय रे जो ए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो रे नहीं जो नगर में श्वास।
अभ्यास है इसे। इसलिए ज्यादा समझ में ना आए ना दुनिया की बातें। तो क्या करूं? गुरु को देखो और गुरु जैसे बोलते हैं वैसे चल। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोड़ी। चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही। और सब कर लो अभी, मैं दाई भाई पूरा देख रहा हूँ। कभी कभी तो मैं सब करता हूँ पूरा नहीं देख पाता। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो दिल मारी निर्भय रही जो। दुनियादारी गारी जाने के मछली जोरे, मायने में भैरे जोरे, दुनियादारी ओ गनगारी जाने दे मछली जोरे, मारी निर भैरे जोरे, मारी लाली जोरे, मारी सांच कमाई जो। किया ठीक से चार शलभासन के विचार, कमर कक्कबाड़ा हो रखा। अरे रामा रामा, समझी टंगड़ी दुखती है, कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, तेरा क्या नहीं दुखता वो बता। बोले साहू जी आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया, सब कुछ दुखता है। ऊपर से नीचे तक सूर्य सारे शरीर में दर्द भरे है। फिर खाली भजन गाते रहते हो दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाल कर ले। किया बनी बात? बोले बाबा जी पकड़ में नहीं, अपने से ही अपनी कितनी दूरियां। हाय रे ये कैसी मजबूरियां। सुना सीधे लेट जाओ मरकटासन, आराम आराम से। बॉडी अपसेट, ब्रेन अपसेट, हार्ट अपसेट। बोले मैं बहुत टूट गई हूं तन से मन से। दिल मेरा ऐसा टूटा कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई। टूटा हुआ सा तन, टूटा हुआ सा मन। फिर गीत गाते रहते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। घुटनों में फासला, पहले में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में से दूर। रिलैक्स होकर के पूरे तन को सवारना है। तुम्हारे तन की मन की चादर मैली हो गई है, योग के साबुन से इसको धोना है। ये पूरी तरह से 100% हर्बल है, नेचुरल है। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया,
हे प्रभु तुमने कितना अच्छा शरीर दिया था। मैं कहता हूँ एक एक आदमी को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का शरीर दे रखा है। अपने कभी कभी इवेल्युएट किया करो अपने आप। मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजें बड़ी खतरनाक है। आत्मग्लानी में कभी मत जीना। खुद को कोसते रहते हैं मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, मेरे तो भाग्य ही खराब है। धत तेरे कि तेरे भाग्य खराब होते तो कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बनकर के पैदा होते। तुम्हें भगवान ने इंसान बना करके पैदा किया और इंसानों में भी स्त्री और पुरुष में यदि किसी को स्त्री बनाया तो और ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्त्रियां ही पुरुषों को जन्म देती है। इसलिए स्त्री है या पुरुष अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। तुम भगवान की संतान हो और भगवान ने एक एक यंत्र और राम 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 जब विचार करते हैं ना उस ओंकार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरुष खुदा अल्लाह भगवान की शक्ति का विचार करते क्या उसने नहीं दिया इतना सुंदर तन जिसके भीतर जो अंदर की कारीगरी कर रखी है ना इनर इंजीनियरिंग करके भी कुछ लोग योग कराते हैं। बोले क्या कर रखा है परमात्मा ने, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन थॉट्स इमोशंस हो कैसा पूरा दिव्य संरचना का ऐसा नमूना बनाया है दुनिया का कोई साइंटिस्ट ये काम नहीं कर सकता। कोई कितना ही बड़ा राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो दौलतमंद हो कितना ही कोई बड़ा वजीर हो वजीर आजम हो क्या उनकी औकात है। तीसरा अभ्यास मरकटासन का करो। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। जब तक योग नहीं करोगे इसके दाग नहीं छूटेंगे। बड़े दाग लगे हैं तन पर भी मन पर भी इंद्रियों पर भी चित्त चेतना पर भी विचारों में भी दाग है भावों में भी दाग है कर्मों में भी दाग लगे हैं। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा कर डाला। तो होश में आओ मेरे भाई। मरकटासन के 3 अभ्यास जिनको कमर में ज्यादा ही दर्द है एक एक पैर को ऊपर उठाना नीचे लेकर के आना ऐसे और एक एक पैर से अथवा दोनों पैर से अर्ध पवन मुक्तासन करना। चलो कर लो अर्ध पवन मुक्तासन फिर कंधरासन शीतबंधासन कटियुत्थानासन भी करेंगे करना है। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नैन बूंद कर परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की तारे टूटी मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। से उड़ाओ कंधरासन सेतु बंधासन पूरी कमर कमाड़ा कर देते तुमने कमर गड़बड़ कर ली। अब यहां जो उपचार देते हैं पंचकर्मा का षटकर्मा का योग का प्राणायाम का मसाज का सारी अलग अलग थेरेपियां देते हैं आहार की विचार की वाणी की व्यवहार की स्वभाव की
एक एक क्रिया यहाँ पर एक एक थेरापी है। एक बोलो बाबा जी आपने तो बताया था 100 से ज्यादा यहाँ पर उपचार देते हैं, मैंने तो देखा यहाँ सुबह उठाते हैं और फिर ऐसे दौड़ाते हैं शाम तक पता ही नहीं लगता क्या क्या हो रहा है, कैसे के लिए उपचार की पद्धति है। मैंने कहा गिनती छोड़ दे तू जो कराते वो करता रहे। चलो भाई कर्म लेके बैठो, अब अगला कार्यक्रम तैयार है, चलो भजन गाओ। मैली चादर के कैसे, मैली चादर के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर क्या प्रार्थना करो।